बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नुसरत फातिमा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन फिज़िक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज की, 2.1 से 2.11 तक के शॉर्ट क्वेश्चन किए। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 2.12 से लेकर 2.21 तक करेंगे। तो आइए 2.12 शॉर्ट क्वेश्चन जो करते हैं। 2.12, शो दैट द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ और ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ, के हमने बताना है कि दो वेक्टर हैं जिनकी सेम लेंथ है, अगर उनका हम सम लें तो रिजल्टेंट आए उसकी भी लेंथ उन्हीं के इक्वल हो, और अगर हम उनका डिफरेंस लें तो उस रिजल्टेंट की लेंथ भी उन वेक्टर्स के इक्वल हो और वो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हों। तो इसके लिए हम इसका आंसर करेंगे कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको डायग्राम से आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो वेक्टर ए है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय लाइन ओ क्यू। तो वेक्टर ए और इसके ऊपर हमने ऐड किया इसके साथ वेक्टर बी को परपेंडिकुलरली, जो कि लाइन क्यू एस से शो हुआ है। बाय हेड टू टेल हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड कर दिया, और अब हमने इसका रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट आर, बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द रिजल्टेंट विद द टेल ऑफ द वेक्टर ए एंड हेड ऑफ द रिजल्टेंट विद द हेड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारे पास वो इक्वल टू आ गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसी तरह अगर हम इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेने के लिए क्या करेंगे, हम वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, और नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी है हमारे पास ये, और हमने इसको लाइन क्यू पी से रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम वेक्टर ए के अंदर नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आर प्राइम इक्वल टू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह हमने इनकी एडिशन कर दी। अब अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, यानी जब हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए उसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी उसका स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने इसी तरह जैसे सम का हमने मैग्नीट्यूड लिया है, वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड लिया है, इसी तरह हम वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स ये हमने लिखा, तो आर प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो आर प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह जो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी था उसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया, और इस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो हमें मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर प्राइम के मैग्नीट्यूड के, यानी आर इज इक्वल टू आर प्राइम। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसकी सेकंड है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं रिजल्टेंट एक दूसरे पे, तो इसके लिए भी हमने राइट एंगल ट्राइंगल ली, राइट एंगल ट्राइंगल एस ओ क्यू हमने राइट एंगल ट्राइंगल ली। हमारे पास ये दोनों लाइन्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों लेंथ हमारे पास ये दोनों लेंथ ए वेक्टर ए की लेंथ और वेक्टर बी की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो अब हमारे पास जो एंगल बनेगा एंगल एस ओ क्यू ये है 45 डिग्री, और इसी तरह एंगल क्यू ओ पी वो भी 45 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है एस ओ क्यू ये भी 45 डिग्री और एंगल क्यू ओ पी ये भी हमारे पास 45 डिग्री का है। अब हम इन दोनों रिजल्टेंट का आपस में एंगल देखना चाहते हैं कि वो कितना है। तो रिजल्टेंट हमारे पास है एंगल जो बनेगा वो एस ओ पी, तो हम ये ले लेंगे कि एंगल एस ओ पी जो है वो सम है हमारे पास एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी। और जब हमने इनका सम किया तो इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट की, तो एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ हम ये बताएंगे इट मीन्स ओ एस
यानी कि जो रिजल्टेंट आर है ओ एस इज़ परपेंडिकुलर टू ओ पी जो कि रिजल्टेंट आर प्राइम है। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। 2.13 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ़ दे वर टू बी कम्बाइंड टू गिव द रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। कि किस तरह दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है उनको किस तरह एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड करें हम कि अगर उनको कंबाइन करें तो उनका रिजल्टेंट भी इक्वल वेक्टर होगा ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा जो कि पहले वाले किसी भी एक वेक्टर का होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज़ 120 डिग्री। यानी कि हम उसके लिए इस तरह ड्रॉ करेंगे ये एक डायग्राम, हमारे पास एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने ज्वाइन करना है बाय हेड टू टेल रूल। तो इस तरह ऐड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएं, जैसे कि ये फिगर में आपको शो हो रहा है। और रिजल्टेंट हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर ए रिजल्टेंट की टेल ज्वाइन कर देंगे और रिजल्टेंट का हेड को वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे और इस तरह हमारे पास ये रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ क्लियर हुआ कि जब दो वेक्टर के बिटवीन एंगल 120 डिग्री का होगा उस वक्त जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी सेम लेंथ का होगा। एक्सप्लेनेशन में आप जाएंगे तो इफ़ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अल्टरनेटिव इसका मेथड हम लगाएंगे और उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो वेक्टर ए है वो हमारे पास है फोर्स एफ वन, जो वेक्टर बी है वो फोर्स एफ टू है और इसी तरह जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर सी ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर वो भी एक फोर्स है। तो लेट आर इज वेक्टर आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ एफ वन फोर्स एंड एफ टू फोर्स, देन आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एफ वन स्केयर प्लस एफ टू स्केयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। जैसे कि हमने एग्जांपल की थी 2.2 तो वहीं से हमने ये सोल्यूशन भी इस तरह का ले लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स हम कहेंगे कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर एफ वन का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ये हम अप्लाई कर देंगे इसकी जगह पे। तो एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ एफ कॉज ऑफ थीटा। अगेन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर दोनों साइड से ले लेंगे, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉज थीटा। अगेन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एफ स्क्वायर यहाँ पे जो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो रहे हैं इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये हमारे पास टू एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस एफ स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस टू एफ स्क्वायर तो हमारे पास माइनस में एफ स्क्वायर रह जाएगा। तो माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे एफ स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन ओवर टू। और जब हम कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन ओवर टू लेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाता है। तो हमने इसको डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया और इसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो अगर वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट भी उसी लेंथ का होगा। क्वेश्चन नंबर है 2.14, द टू वैक्टर्स टू बी कम्बाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इट इज़ द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज़ करेक्ट। कि हमारे पास टू वेक्टर हैं अगर हम उनको कम्बाइन करते हैं दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, तो यहाँ से करेक्ट आंसर लेना है कि अगर हम उनको कम्बाइन करेंगे तो क्या आंसर आएगा और इसकी रीज़न भी बतानी है। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट वन है 100 न्यूटन, सेकेंड है 70 न्यूटन एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो है 20 न्यूटन। तो हम इसका आंसर क्या हो सकता है वो लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ 70 न्यूटन। इसकी अब हम रीज़न बताएंगे कि क्यों 70 न्यूटन आंसर आया। तो स्टूडेंट्स आप जैसे कि जानते हैं कि अगर वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनको अब हम कंबाइन करेंगे तो उस वक्त उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, और अगर वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे और हम उनको कंबाइन करें तो रिजल्टेंट उनका मिनिमम आता है। तो यहाँ हम उनका रिजल्टेंट लेके देखते हैं।
तो सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इन दोनों का जब सम करेंगे हम तो 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन इज इक्वल टू 95 न्यूटन. और इसी तरह अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सम ऑफ टू वेक्टर इज मिनिमम इफ़ दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो 60 न्यूटन प्लस माइनस 35 न्यूटन हम लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन. तो दिस शोज दैट द रेंज ऑफ द रिजल्टेंट इज फ्रॉम 25 न्यूटन टू 95 न्यूटन, दैट इज इट मस्ट नॉट बी लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन 95. सो द वैल्यू 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन आर डिसक्वालिफाइड, दस द करेक्ट आंसर इज 70 न्यूटन. क्लियर हो गया? तो इस तरह हमारे पास 70 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर आएगा जो कि रेंज के अंदर है. क्वेश्चन नंबर 2.15. सपोज द साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हैड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स. यानी हमारे पास एक क्लोज पॉलीगॉन है और वो वेक्टर शो कर रही, वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल, तो इनका सम क्या होगा ये हमने बताना है. तो आंसर क्या आएगा इसका, द सम ऑफ दीज वेक्टर विल बी नल वेक्टर. यानी इन वेक्टर्स का सम क्या होगा, नल वेक्टर होगा. कैसे, डायग्राम से हम देखते हैं. इसकी रीज़न भी बता देते हैं कि डायग्राम में हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए की हेड से हमने वेक्टर बी की टेल ज्वाइन कर दी, और इसी तरह बी के हेड से वेक्टर सी की टेल, और सी के हेड से वेक्टर डी की टेल, और इसी तरह डी के हेड से वेक्टर ई की टेल, और वेक्टर ई के हेड से वेक्टर एफ की टेल ज्वाइन की, और जो वेक्टर एफ का हेड है वो वेक्टर ए की टेल से आके ज्वाइन हो गया. तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर का हेड आ जाए, तो उस वक्त उन वेक्टर्स का सम जो होता है वो हमारे पास नल वेक्टर आता है. ठीक हो गया? तो इन दिस केस द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर कॉन्साइड विद द टेल्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, सो द रिजल्टेंट इज नल वेक्टर. तो आप इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल टू नल वेक्टर. तो ये आपने इसका सम कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2.16. इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट जो है इसका, टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एट सेवरल स्पीड. द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू टू नॉर्थ, बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन वाई द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एक्स लाइज नॉर्थ ईस्ट. द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शोर विल बी. यानी दो शिप जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन जो एक्स की है, शिप एक्स की है, वो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जो ऑब्जर्वर ऑन वाई शिप है उसको उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट फील हो रही है. तो फिर वाई शिप जो है, यानी जो शिप वाई है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है शिप वाई, ये आपने बताना है. इसका आंसर, इसके आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी साउथ ईस्ट और डी साउथ वेस्ट. का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया. द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई विल बी ड्यू वेस्ट. इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, इन फोर डायरेक्शन से. तो फोर डायरेक्शन हम किस तरह लेते हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनें लेते हैं. जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, आपके राइट साइड पे जो डायरेक्शन है वो ईस्ट, और आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो वेस्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कहा कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वाई विल बी ड्यू वेस्ट. तो इसको हम देखते हैं कि ये वेस्ट किस तरह आया. तो फर्ज करें कि यहाँ वाई शिप है वो मूव कर रहा है टूवर्ड साउथ, यानी यहाँ पे जो एक्स है वो तो मूव कर रहा है टूवर्ड नॉर्थ. लेकिन अगर हम सपोज करें कि जो वाई है वो मूव कर रहा है टूवर्ड साउथ, और अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ही लग रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसकी डायरेक्शन जो है उसे नॉर्थ ईस्ट फील होती है, तो लिहाजा वो साउथ को मूव नहीं कर रहा. फिर अगर हम देखते हैं कि अगर वो ईस्ट की तरफ वायर जा रहा है तो फिर क्या होगा, तो जब अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो अगर मुड़ के पीछे की तरफ देखेगा तो उसको एन की डायरेक्शन जो है, यानी एक्स शिप की जो डायरेक्शन है उसे महसूस होगी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ये भी क्रॉस हो गया. अब अगर हम कहते हैं कि जो शिप वाई है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट से अगर वो मुड़ के देखेगा तो उस वक्त उसको उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट लगेगी, जो के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है. तो इस तरह हम कहेंगे द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई विल बी ड्यू वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2.16 का बी पार्ट. हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ पी ऑफ मैस एम एट रेस्ट ऑन द स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड अलॉन्ग द सर्फिस ऑफ द प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट इज.
यानी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है अप्लाई हो रही है स्मॉल ऑब्जेक्ट पी पे ऑफ मास एम जो कि रेस्ट पे है ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन पे है जो कि एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सी हो सकती है। फर्स्ट वन ऑप्शन है ऑप्शन ए एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ऑप्शन बी जो है एफ साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, ऑप्शन सी एफ कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, ऑप्शन डी है आपके पास एफ साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, और ऑप्शन ई है आपके पास एम जी टेन थीटा। तो इन पे से कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है? तो इसका आइए आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इसका आंसर ए है एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये किस तरह एक्सप्लेनेशन इसकी क्या हो सकती है। रिजॉल्विंग द फोर्स एफ एंड वेट डब्ल्यू इंटू इट्स कंपोनेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा है तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, इस फोर्स को भी हम उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे और उसका वेट डाउनवर्ड है तो वेट को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि इस डायग्राम में शो हुआ है, तो बॉडी का वेट उस पॉइंट पी का वेट जो है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पी उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट होता है हमारे पास एम जी, उस वेट को हमने इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो दो कंपोनेंट बने इसके एम जी साइन थीटा और दूसरा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा इज अलॉन्ग द प्लेन है, तो जैसे एम जी साइन थीटा यहाँ प्लेन पे है उसको हमने अलॉन्ग द प्लेन भी उसका वही कंपोनेंट ले लिया। इसी तरह हमने फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, और जब हमने फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली ये जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वल लग रही है, तो ये एंगल थीटा और ये थीटा भी इक्वल हो गए जो कि इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, इसी तरह ये भी थीटा इक्वल हो गए। तो इस फोर्स को भी हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, क्या किया डॉटेड लाइन पे जहाँ एरो आ रहा है वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारे पास एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा फोर्स के दो कंपोनेंट मिले। तो यहाँ अगर देखें तो जो रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है वेट के रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है आर, यहाँ अगर हम देखें तो वेट का वेट डाउनवर्ड लाई कर रहा है और वेट के रिएक्शनल फोर्स आर जो है वो अपवर्ड इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये रिएक्शनल फोर्स आर जो है ये बैलेंस हो रही है बाय एम जी कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, अप एंड अलॉन्ग द सर्फिस ऑफ द प्लेन कौन सा रिजल्टेंट बचा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो फ्रॉम द फिगर वी सी दैट एम जी कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा आर बैलेंस्ड बाय आर, और सिंस बॉडी मूव्स अप देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, दस द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन है हमारे पास 2.17, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वर रिवर्स हाउ वुड दिस ऑल्टर वैक्टर ए वन क्रॉस वैक्टर ए टू, यानी हमारे पास दो वैक्टर हैं वैक्टर ए वन और वैक्टर ए टू, अगर हम इनके कम्पोनेंट्स को रिवर्स कर दें तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर है इफ़ द कम्पोनेंट्स ऑफ द वैक्टर्स वैक्टर ए वन एंड वैक्टर ए टू आर रिवर्स देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट ऑफ वैक्टर ए वन क्रॉस वैक्टर ए टू। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों वैक्टर्स को इनके कम्पोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो वैक्टर ए वन इज इक्वल टू ए वन एक्स आई कैप प्लस ए वन वाई जे कैप प्लस ए वन जी के कैप एंड वैक्टर ए टू इज इक्वल टू ए टू एक्स आई कैप प्लस ए टू वाई जे कैप प्लस ए टू जी के कैप। तो इस तरह ये हमारे पास दोनों वैक्टर को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद ये दो वैक्टर हमने ले लिए वैक्टर ए वन और वैक्टर ए टू, इन दोनों को हमने स्मॉलर एंगल थीटा से ज्वाइन कर दिया बाय टेल टू टेल विद स्मॉलर एंगल थीटा। अब हम वेक्टर ए वन को जब वेक्टर ए टू की तरफ रोटेट करके ले जाएंगे और इसकी डायरेक्शन हम अपने राइट हैंड रूल से बताएंगे कि बाय कर्लिंग द फिंगर ऑफ डायरेक्शन बाय कर्लिंग, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से बताएंगे रोटेशन ऑफ वेक्टर ए वन टू ए टू बाय कर्लिंग ऑफ द फिंगर ऑफ राइट हैंड देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो आउटर वर्ड आ रही है हमारे पास, तो इसको हम अगेन डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख लेंगे एज वेक्टर ए वन क्रॉस वेक्टर ए टू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप में हमने इसके लिखे एक्स कॉम्पोनेंट ए वन एक्स ए टू एक्स, जे कैप में हमने लिखे ए वन वाई ए टू वाई और के कैप में हमने लिख दिया ए वन जी ए टू जी। अब हम इन दोनों वैक्टर्स के कंपोनेंट को रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने पर
वेक्टर ए वन प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए वन एक्स आई कैप माइनस ए वन वाई जे कैप माइनस ए वन जी के कैप एंड ए टू वेक्टर ए टू प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए टू एक्स आई कैप माइनस ए टू वाई जे कैप माइनस ए टू जी के कैप। तो ये हमने इनके कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के लिए डायग्राम से भी मैं आपको बता देती हूँ कि वेक्टर्स को हमने कैसे रिवर्स किया। हमारे पास थे वेक्टर ए वन और वेक्टर ए टू, इनको हमने ज्वाइन किया था टेल टू टेल बाय स्मॉलर एंगल थीटा। तो इसी तरह वेक्टर ए वन का जो रिवर्स हम लेंगे या नेगेटिव लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वेक्टर ए वन की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। तो डायरेक्शन रिवर्स करने पे हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए वन के इक्वल रहा। तो यहाँ हमने वेक्टर ले लिया माइनस ए वन आई, ए वन वेक्टर हमने ले लिया, वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर ले लिया। और इसी तरह वेक्टर ए टू का रिवर्स जो हमने लिया वो उसकी भी हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन हमने उसको दे दिया। नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन के लिए है कि ये इसकी डायरेक्शन जो है वो ए टू के ऑपोजिट है। और इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया टेल टू टेल बाय स्मॉलर एंगल थीटा। अब अगेन इसकी रोटेशन फ्रॉम ए वन टू ए टू, यानी वेक्टर ए वन से वेक्टर ए टू की जब हम रोटेशन लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो थंब होगा वो आउटर वर्ड डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट की। तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो बाय रोटेटिंग नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए वन टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए टू बाय कर्लिंग ऑफ द फिंगर ऑफ राइट हैंड देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विच इज ऑल्सो इन आउटर वर्ड डायरेक्शन। और इसको मैथमेटिकली भी हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उसको भी जो आपने इनका इनके वेक्टर के कंपोनेंट को अल्टर किया था उसको भी हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखा। तो वेक्टर ए वन प्राइम क्रॉस वेक्टर ए टू प्राइम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लिया आपने आई कैप जे कैप और के कैप। और आई कैप में आपने वेक्टर ए वन और ए टू के एक्स कंपोनेंट रख दिए, जे कैप के कॉलम में आपने वेक्टर ए वन और ए टू के वाई कंपोनेंट रख दिए और के कैप कॉलम में वेक्टर ए वन और ए टू के जी कंपोनेंट रख दिए। अब हमने क्या किया, दोनों रोज में से जो नेगेटिव साइन है वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे वेक्टर ए वन प्राइम क्रॉस वेक्टर ए टू प्राइम इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन और आगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में एज इट इज़ रख दिया। जैसे ही हमारे पास माइनस के साइन हमने इसको कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप और के कैप। और इसी तरह आई कैप में हमने ए वन एक्स ए टू एक्स, जे कैप में ए वन वाई ए टू वाई और के कैप में हमने ए वन जी ए टू जी रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो फिर ए वन प्राइम वेक्टर ए वन प्राइम क्रॉस वेक्टर ए टू प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर ए वन क्रॉस वेक्टर ए टू। सो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि वेक्टर के अगर कंपोनेंट रिवर्स कर दें तो उसके ऊपर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है और डायग्राम से भी प्रूव कर दिया। तो हेंस देर इज़ नो चेंज इन ए वन वैक्टर ए वन क्रॉस वैक्टर ए टू इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वैक्टर ए वन एंड वैक्टर ए टू आर रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 2.18, नेम द डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक वैक्टर ए वन क्रॉस वैक्टर ए टू इक्वल टू नल वैक्टर। यानी आपने डिफरेंट कंडीशन बतानी है जिनमें दो वैक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो नल वैक्टर आए। इसका आंसर हम लिखेंगे इफ वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू आर टू वेक्टर्स देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू इज इक्वल टू ए वन ए टू साइन थीटा एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके लिए कंडीशंस अब हमने बतानी कि कौन कौन सी हो सकती हैं। वेक्टर ए वन क्रॉस वेक्टर ए टू इज नल वेक्टर इफ नंबर वन पे इधर वेक्टर ए वन और ए वेक्टर ए टू इज अ नल वेक्टर, यानी वेक्टर ए वन क्रॉस नल वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। या फिर क्या होगी दूसरी कंडीशन, वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में इनके क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि ए वन ए टू साइन ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह इनका रिजल्टेंट भी नल वेक्टर आ गया। और तीसरी इसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि वेक्टर ए वन एंड वेक्टर ए टू आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल होंगे तो इन दोनों में एंगल कितना होगा 180 का, तो साइन 180 पे भी ज़ीरो होता है। तो इस तरह इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2.19, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन द रीज़न। यानी आपको स्टेटमेंट दी गई हैं
उनमें बतानी है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और दोनों की रीज़न भी बतानी है कि वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है. स्टेटमेंट है फर्स्ट वन, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नेदर मूविंग नॉर रोटेटिंग. और सेकेंड वाली जो है, इफ़ कोप्लैनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट वाली का आंसर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ए, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उस वक्त उसकी जो उसके वो इक्विलिब्रियम में है, उस वक्त वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. इसी तरह अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो उस वक्त भी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई. तो बिकॉज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी में मूव और रोटेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब दूसरी स्टेटमेंट के बारे में क्या है ख्याल है, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. वो किस तरह ट्रू, इसकी हम रीज़न बताएंगे. रीज़न क्या है कि क्लोज पॉलीगॉन अगर हमने ली है तो इसमें भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जा सकती है कि कोप्लैनर फोर्सेज लग रही हैं और एक क्लोज पॉलीगॉन बन रही है. तो लास्ट पीछे जब अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया जिसमें क्लोज फिगर क्लोज पॉलीगॉन बनी, तो उसमें भी यही कहा है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन हो गया. तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर आ जाता है या नल वेक्टर आता है. तो उस वक्त क्या हो गया कि फोर्सेस थी तो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो. तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी जीरो. तो उस वक्त फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड. तो जिसकी रीज़न में आप लिखोगे इन दिस केस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड एंड द बॉडी इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. 2.20 एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 2.20, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय द टू स्ट्रिंग्स. शो बाय डायग्राम द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम. एक पिक्चर को आपने वॉल के साथ हैंग करना है टू स्ट्रिंग्स की मदद से, तो स्ट्रिंग्स की किस तरह कॉन्फिग्रेशन होनी चाहिए कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो है वो मिनिमम हो. इसकी आंसर हम देखेंगे कि क्या है. आंसर के लिए आपको ये डायग्राम पहले समझा रही हूँ कि किस तरह वो पिक्चर हैंग हुई हुई है. तो पिक्चर जो है इस तरह करके हैंग हुई कि टू स्ट्रिंग्स जो हैं वो पिक्चर के साथ, हमने पिक्चर को टू स्ट्रिंग्स के साथ बांध दिया है, ठीक हो गया. और इस तरह इसका वेट जो है पिक्चर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है जो के पिक्चर के साथ एंगल थीटा बना रही है दोनों साइड्स में. तो हमने क्या किया कि इसके इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, इस टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया. इसका आंसर आप लिखोगे, आंसर लेट द पिक्चर सस्पेंडेड फ्रॉम द वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स रिजॉल्व द टेंशन इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. जब हमने टेंशन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर दिया तो इसके कंपोनेंट बनेंगे टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, और इसी तरह दूसरी साइड पर भी टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा बन जाए. अब हम इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी बॉडी शुड बी जीरो. तो यहाँ पे हम सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलग कर लेंगे कैलकुलेट, और सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अलग कैलकुलेट करेंगे. तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर जो है वो कौन से कंपोनेंट, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा. यहाँ पे ये दोनों टी कॉस थीटा, ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो फिर यहाँ हम लिखेंगे टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. उसके बाद y डायरेक्शन में हमने इसको देखा सिमिलरली अलॉन्ग y डायरेक्शन सम ऑफ ऑल दी फोर्सेज अलॉन्ग y डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. तो y डायरेक्शन में हमारे पास है टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, और एक जो फोर्स है वो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो इस तरह वेट जो होगा वो माइनस हो जाएगा. तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस वेट इज इक्वल टू जीरो. इसको अगेन सॉल्व करके देखा तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू वेट, यानी माइनस को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए, माइनस वाली टर्म को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए. तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू वेट, या टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, या टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टू साइन थीटा. तो यहाँ पे टेंशन विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम. दैट इज साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जब साइन थीटा इक्वल टू वन होगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन. तो साइन इनवर्स ऑफ वन होता है 90 डिग्री. तो हम इसको लिखेंगे अगेन टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टू साइन ऑफ 90 डिग्री, या डब्ल्यू डिवाइडेड बाय
टू साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 पे इक्वल टू 1 होता है, तो फिर टेंशन टी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय 2, यानी वेट का हाफ हो जाएगी टेंशन जब थीटा 90 का होगा। तो इस तरह अगर हम पिक्चर को वर्टिकली स्ट्रिंग के साथ हैंग कर देंगे तो टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। दस द टेंशन विल बी मिनिमम इफ़ द स्ट्रिंग्स आर वर्टिकल। और ये वाली डायग्राम जो है, ये जो दूसरी डायग्राम जब आप आंसर लिखेंगे फाइनल पेपर में, तो उस वक्त ये वाली सेकंड वाली डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट वाली डायग्राम सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे भी शो हो रहा है पिक्चर क्या है, स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली हैंग है, तो उस वक्त इसकी टेंशन जो है वो मिनिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 2.21 की स्टेटमेंट है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। कि क्या एक बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट कर सकती है अंडर इट्स वेट, तो इसका आंसर होगा नो। नो अ बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स वेट। कि एक बॉडी जो है अपने वेट के वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का वेट लाई करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। तो रोटेशन के लिए हमने टॉक को पढ़ा, तो टा इज इक्वल टू आर एल क्रॉस एफ, यानी टा इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ हमने लिया है कि मोमेंट आर्म क्या होता है, पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स तक का डिस्टेंस, तो एल क्रॉस एफ। तो यहाँ पे हमने कहा है कि एल जो है वो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और एफ हमारे पास फोर्स होगी यानी कि वेट होगा। तो जब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बॉडी का पिवट पॉइंट है जहाँ पे बॉडी ने रोटेट करना है और वेट भी वहीं पे लाई कर रहा है, तो इस तरह उसका मोमेंट आर्म जीरो हो गया। तो जब मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा तो बॉडी के अंदर रोटेशन नहीं होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, इसका रीज़न हम बताएंगे। इन दिस केस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स यानी वेट पासिस थ्रू पिवट पॉइंट, और यहाँ पे पिवट पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो द मोमेंट आर्म बिकम जीरो। तो ये डायग्राम इसी तरह आप बताएंगे, पिवट पॉइंट पे बॉडी का वेट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मोमेंट आर्म जीरो हो गया, तो जिसकी वजह से रोटेशन नहीं होगी। टा इज इक्वल टू एल एफ, या फिर टा इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय एफ। यहाँ पे हमने जीरो इसीलिए लगाया क्योंकि इसका मोमेंट आर्म जीरो हो गया है, और टा इज इक्वल टू जीरो। तो जब टा इक्वल टू जीरो हो गया तो रोटेशन बॉडी में नहीं होगी, हेंस द बॉडी विल नॉट रोटेट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़।